आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। शायर हाशिम फिरोजाबादी ने एक बहुत प्यारी लाइन तिरंगे को लेकर के लिखी है, जहां उन्होंने लिखा है कि जिन हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, जिन हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। ये बात आज के दौर में बिल्कुल सटीक साबित होती हुई दिखाई दे रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाया था, अब घर घर तिरंगा का इवेंट चलाया जा रहा है। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को ये ऐलान किया है, तो तमाम लोग जो हैं वो तिरंगा यात्रा निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तिरंगा यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसे देख करके आप शर्मसार हो जाएंगे कि कैसे ये राजनेता हमारे तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। जहां अपनी फोटो खिंचवाने के चक्कर में तिरंगा सीधा पकड़ा है या उल्टा, इसका इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इन्हें बस मोदी जी के मुहिम को आगे बढ़ाना है। और इनके जो युवा कार्यकर्ता हैं वो इनसे भी दो चार कदम आगे निकलते हुए दिखाई दिए। जहां तिरंगा यात्रा के दौरान आपस में ही भिड़ गए, तो वहीं तिरंगा यात्रा के दौरान जमकर ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता नजर आ रहे हैं। और जब ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तिरंगा को लेकर के अपना ज्ञान दे रहे थे, और जब फोटो खिंचाने की बारी आई तो तमाम भाजपा के नेताओं ने तिरंगा उल्टा पकड़ा हुआ है। और जो तिरंगे का अपमान हुआ है, इसके ऊपर लोगों का गुस्सा फूट चुका है। और इससे भी एक कदम आगे निकलते हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा के युवा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और लात घूंसे चलाते हुए दिखाई दिए हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से तिरंगे का अपमान करते हुए ये भाजपा के नेता नजर आ रहे हैं। और जब ये भाजपा के नेता तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तो कांग्रेस यूथ विंग के अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी ने लिखा है कि ये तिरंगा है, न जाने कितनों ने कुर्बानी दी है, अपनी पूरी जवानी जेलों में बिता दी, तब जाकर शान से ये झंडा हम लोगों ने लहराया है। राजनीतिक इवेंट बाजी के चक्कर में इसका अपमान बंद करो भाजपाइयों। जहां वो वीडियो शेयर किया गया है जहां इन लोगों ने उल्टा तिरंगा पकड़ा है, तो वहीं तमाम जगहों पर धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग नजर आए हैं, जहां आपस में लात घूंसे चलाते हुए दिखाई दिए। कानपुर तिरंगा यात्रा में आपस में भिड़ते हुए भाजपा के ये कार्यकर्ता नजर आए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आए, तो वहीं लोग लिखते हैं इस ऐसी इनकी रिहर्सल होती रहती है, बाद में पैसा लेकर ये भी यही करते हैं गुंडागर्दी। तो तस्वीर आपके सामने है जो कि भाजपा के तिरंगा प्रेम की पोल खोलती हुई रिपोर्ट दिखाई दे रही है। तो वहीं अमर उजाला में एक खबर छपी जहां भाजपा युवा मोर्चा ने तिरंगा यात्रा के दौरान जम करके ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने के लिए भाजपा युवा मोर्चा ने शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली थी। दिल्ली के हर कोने से युवा कार्यकर्ता बाइक से प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे और यहां से यात्रा में शामिल हुए।
उत्साह से लबरेज तिरंगा लिए हुए कार्यकर्ता ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी उड़ाते दिखे। कार्यकर्ता बिना हेलमेट पहनकर यात्रा में शरीक हुए। इसके कई जगह सुबह शाम की समस्या से भी लोगों को परेशान होना पड़ा। बाइक रैली प्रदेश भाजपा कार्यालय से धौलाकुआं एनसीपी आजादपुर और आईटीओ से होते हुए इंडिया गेट पर खत्म हुई। 75 किलोमीटर की दूरी तय कर कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट के पास 75 मीटर लंबा तिरंगा भी फहराया। प्रदेश कार्यालय से तिरंगा यात्रा का नेतृत्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि इस तिरंगा अभियान के दौरान दिल्ली के हर घर में तिरंगा लगे, इसके लिए भाजपा काम करेगी। तिरंगा भाजपा या किसी पार्टी का अभियान नहीं है, बल्कि देश के हर व्यक्ति का अभियान है। प्रदेश भाजपा प्रभारी बेजयंत जाय पांडा ने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा का अभियान दर्शाता है कि आज स्वतंत्रता दिवस का समारोह सरकारी दिवस न होकर जनता का त्योहार बन चुका है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिथूड़ी ने कहा कि ये बाइक रैली सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सच्चे मन से श्रद्धांजलि है जिनकी मेहनत और बलिदान के बल पर आज हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। तो वहीं सिख भाजपा नेताओं ने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली। पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में बाइक रैली को केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केसरी दस्तार सजागर 750 से ज्यादा बाइक सवारों ने रैली में शिरकत की। रैली तालकटोरा स्टेडियम से होकर इंडिया गेट पर समाप्त हुई। इस मौके पर सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऐलान पर हर घर तिरंगा को ध्यान में रख इतनी बड़ी संख्या में सिख शामिल हुए हैं। जहां नियम कानून की धज्जियां तिरंगा यात्रा के नाम पर ये भाजपा के नेता करते हुए दिखाई दिए, उल्टा तिरंगा पकड़ते हुए भी ये भाजपा के नेता दिखाई दे रहे हैं और तिरंगा यात्रा में इन्हीं के लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें अब लोगों के सामने आने लगी हैं। मैं हर एक तस्वीर को तिरंगा के नाम पर जो ढोंग देशभक्ति का चल रहा है उसे आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।